माँ जरा जाके दरवाजे पर देखना कौन आया है। अच्छा बेटा। मुमताज घर पे है? हाँ है, तुम कौन हो? उसको जाके बोलो अरसल आया। मुमताज बेटा, अरसल आए हैं। ओहो, यहाँ से चीखने की क्या जरूरत है? अंदर जाके नहीं बुला सकती क्या? अरे यार क्या मासी रखी हुई है तूने, तमीज नहीं सिखाई इनको क्या? चल तू छोड़ यार, तू अंदर आ। हमारी इन्हीं बातों की वजह से नौकर सर पे चढ़। मैं समझाया तुझे, बुजुर्ग है। आज मेरी औलाद के सामने कोई मुझसे बुरे अंदाज में बात कर रहा था, मुझे नौकरानी समझ रहा था, और मेरा बेटा बजाय उसे कुछ कहने के उसे डांटने के उसकी खुशामदें कर रहा था। मैं क्या कर सकती थी यार। मैंने डैड से बात की है, वो कह रहे थे CSS का पेपर दे लो, उसके बाद जॉब पक्की है। मुझे पता है कि मुझे किसी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है यार, लेकिन मुझे तो है ना, तू तो हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। चल ठीक है, तो अपने डैड से बात कर ले, और कौन सा इम्तिहान पास होती है फौरन से हमें एक बेहतरीन सी पोस्ट पर बिठा देंगे। बिठा देंगे, फिक्र नहीं कर, हूँ ना। मुमताज बेटा, कैसा दोस्त है तेरा जो माँ को नौकरानी समझता है। अम्मा गलत फहमी हो गई थी उसे। बेटा मुझे दुख उसकी गलत फहमी का नहीं है, मुझे तो बस इस बात का मलाल है कि तूने। अरे गलती मेरी ही थी अम्मा, जो मैंने आपको इतना कह दिया कि जाकर देख ले दरवाजे पर कौन है। उसे तो शायद एहसास ही नहीं था कि मैं किस असियत से और कितने मसाइल से गुजर कर यहां तक आई थी। मैंने तो उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, जो हो सकता था मैंने किया था उसके लिए। उसे तो बस अपनी बात मनवाने और अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने की आदत सी पड़ गई थी, मैं तो बस दिल ही दिल में कुड़ के रह गई थी। बाद में मुझे पता चला कि मुमताज का दोस्त अरसल किसी बड़े बाप का बेटा है। मैं देख रही थी आजकल वो दिन रात पढ़ने में लगा रहता था, क्योंकि उसके इम्तिहान भी करीब थे। बेटा। जी अम्मा। आजकल तुम गायब कहाँ हो? तुझे नौकरी की फिक्र है भी कि नहीं है? अम्मा उसी की वजह से ज्यादा मसरूफ हूँ, और मुझे जॉब मिल गई है। हैं, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा वो CSS का इम्तिहान था ना, वो मैंने पास कर लिया है, बस कल मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मा तेरा बेटा सीधा सीधा अफसर लगने वाला है। देख ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। क्या हो गया अम्मा? अरे मैंने इतनी मेहनत की है, कामयाबी तो मुझे मिलनी थी, ये बीच में तेरी दुआएं कहाँ से आ गई? उसके पास होती
उसे एक सरकारी महकमे में डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी मिल गई थी, साथ ही गाड़ी बंगला सब मिला था। अभी उसे नौकरी करते साल भी नहीं गुजरा था कि मैंने कह दिया था अरसल से मैंने कहा था वो जितना है। अम्मा ये जोआ है। आओ बेटा बैठो। नहीं अम्मा बैठने का वक्त नहीं है, मैं आपसे आपकी होने वाली बहू को मिलाने लेकर आया था। क्या? अरे अम्मा आप तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे मेरी सारी जिंदगी आपने शादी ही नहीं करनी थी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अच्छा छोड़े सारी बातों को, आपकी बहू पहली बार आई है इस घर में, कोई चाय या ठंडा नहीं पूछेंगी इनसे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बेटा बैठो, मैं अभी कुछ लेके आती हूँ। ये है तुम्हारी माँ। इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये तो बस किस्मत की खराबी है जो मुझे इस तरह की माँ मिली। उसने तो मुझसे मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा था, बस सीधे सीधे मुझे इतला दी थी। और मेरे दिल में न जाने क्या क्या अरमान थे उसके लिए, और वो लड़की वो मुझे एक आंख नहीं भाई थी, वो मुझे बड़ी मगरूर लगी थी, मगर मैं क्या कर सकती थी, वो मेरे मुमताज की पसंद थी। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माँ प्लीज अगर तुमने जोहा के मुताबिक कुछ कहना है तो प्लीज कुछ मत कहना। मगर बेटा माँ तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने जज्बात में आकर किया? नहीं माँ ये मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि मेरे भी कोई अरमान है। अम्मा तुम्हारा यहाँ है ही कौन, ना कोई रिश्तेदार ना कोई खानदान, किससे करवाती मेरी शादी? ये गली मोहल्ले में जो घूमने वाली औरतें होती हैं उसे 2-4 हजार रुपए देकर किसी को भी मेरे भेंट चढ़ाते हैं। नहीं मैं खुद जाती तेरे लिए देखने। मैं छोड़े ना अम्मा, आपने अपनी हालत देखी, अरे इस हुलिये में तो कोई आपको अपने घर में घुसने नहीं देगा, रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। और मैंने फैसला ये किया कि मैं जोहा से कोर्ट में शादी कर रहा हूं। मुमताज की सितला पर किसी बात की गुंजाइश ही कहां रह गई थी, और उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। वाकई मेरा था ही कौन, और उसके अगले दिन ही सुहा बहू बन के हमारे घर आ गई।